बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो FPSC टेस्ट प्रिपरेशन की 6th वीडियो है और ये हमने स्टार्ट की थी कि आपने कोई भी FPSC का एग्ज़ाम देना है तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन 20% लाजमी इंक्लूडेड होता है, तो उस पार्ट को कवर करने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की है। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करवाने लगा हूँ वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। ये पांचवी वीडियो जो थी इस सीरीज़ की, उसमें हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमने बात की थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से, और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज यानी कि इनसे रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि आपने जो कंसेप्ट गेन किया था तो उस पर आपको अच्छी ग्रिप हो जाए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, लाइक आई एम रीडिंग द बुक। इसमें आपने मुझे बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आप सब्जेक्ट वाली वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसमें इसी सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन सा है वो भी आपने कमेंट करना है। और चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ MCQs प्रेजेंट करने वाला हूँ और फिर इनके आंसर्स आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो द कैट सैट ऑन द मैट। तो इसमें आप देखें कि इस सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है कैट। तो जिस भी चीज़ के बारे में हम किस सेंटेंस में जब बात कर रहे होते हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाती है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए दुरुस्त होगी। फिर इसके बाद अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो जो सेंटेंस हमें मिला हुआ है वो है शी सिंग्स ब्यूटिफुली। तो इसमें अगर हम देखें तो सब्जेक्ट जो होगा वो शी होगा, और शी के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि सिंग्स ब्यूटिफुली। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी सब्जेक्ट के हवाले से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो कहलाते हैं प्रेडिकेट्स। दैट्स व्हाई सिंस ब्यूटीफुली हम इसको प्रेडिकेट के तौर पे यहाँ पे जानते हैं, तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। फिर इसके बाद बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट, जिसमें सेंटेंस दिया हुआ है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो इस सेंटेंस में आप देखें कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, द चिल्ड्रन के बारे में, तो इसके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चिल्ड्रन होगी। अब चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसमें पार्क का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन आपने चिल्ड्रन और पार्क के दरमियान कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट करें या डिस्कस करें वो है चिल्ड्रन। और फिर इसके बाद विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट, जिसमें जॉन एंड मैरी वेंट टू द मार्केट। तो अगर हम जॉन एंड मैरी को देखें तो ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, और इनके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वेंट टू द मार्केट। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें प्रेडिकेट क्या होगा, तो वेंट टू द मार्केट इसके करेक्ट ऑप्शन सी है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें द क्विक ब्राउन, ये आप सेंटेंस देखें, फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, और इसमें हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखें, एक तो है लेजी डॉग और एक है क्विक ब्राउन फॉक्स, तो अब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है या एक्शन यानी कि वर्ब किससे रिलेटेड बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है क्विक ब्राउन फॉक्स रिलेटेड। और वो एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है तो वो तो कहलाता है ऑब्जेक्ट। आने वाले वीडियोस में हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे तो वो है फॉक्स, जिसको हम एज ए सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। और फिर इसके बाद हमने प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है, जिसमें है द बॉय विद द ब्लू हैट इज़ माय ब्रदर। तो द बॉय विद ब्लू हैट इज़ माई ब्रदर, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनते हैं इज़ माई ब्रदर, कि हम उस बॉय के हवाले से बात कर रहे हैं जिसने ब्लू हैट ली हुई है, तो वो हम क्या बात करें, इज़ माई ब्रदर। तो डेट्स वाई इज़ माई ब्रदर विल बी कंसिडर्ड एज द प्रेडिकेट। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें, सारा इज़ रीडिंग ए बुक, तो सारा
इसमें एज अ सब्जेक्ट के तौर पे है और इज रीडिंग ए बुक, तो ये हमारे पास एक प्रिडिकेट है कि हम सारा के हवाले से बता रहे हैं कि सारा क्या कर रही है। और फिर इसके बाद रनिंग थ्रू ए फील्ड द डॉग चेस द रैबिट, तो इसमें हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को अगर हम देखें, द डॉग हु इज चेजिंग द रैबिट, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी बी। और फिर इसके बाद आते हैं जिसमें है टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स, तो इसमें हम अगर कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करें, एक तो सब्जेक्ट टॉम है एंड एक सब्जेक्ट है जेरी, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है हमारे पास, तो डेट्स वाई वी कॉल इट कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होगी डी। और फिर इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है जिसमें दुआ है शी डांस एंड सेंग ऑल नाइट, तो हमने क्या करना है, कंपाउंड प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करें हैं डांसिंग की, और फिर उसके बाद हम बात करें सिंगिंग की ऑल द नाइट। तो यहाँ पे दो प्रेडिकेट एंड के जरिए आपस में कंपाउंड प्रेडिकेट की सूरत में हमें प्रेजेंटेड हैं, तो डेट्स वाई ऑप्शन डी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर इसके बाद बात करते हैं जिसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, द लिटिल बॉय हु लिव्स नेक्स्ट टू डोर इज वेरी फ्रेंडली, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो इसको हम सब्जेक्ट यानी कि कंप्लीट सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। अब इसको कंप्लीट सब्जेक्ट क्यों कहा गया है, अगर हम बात करें सिर्फ बॉय की तो वो एज ए सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। एक तो है लिटिल बॉय और हु लिव्स नेक्स्ट डोर, के उसके लिविंग के हवाले से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इस वजह से हम इसको कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें, द कार डेट आई बॉट लास्ट ईयर इज़ वेरी फास्ट, और इसमें हमने कंप्लीट प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या है, द कार आई बॉट या डेट आई बॉट लास्ट ईयर इज़ वेरी फास्ट, के उसकी वेरी फास्ट जो एबिलिटी है या उसकी खसूसियत है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी ऑप्शन डी यहाँ पे एज ए करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगी। और फिर उसके बाद विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज सब्जेक्ट, जिसमें है एवरीवन इन द रूम वाज साइलेंट, तो एवरीवन यहाँ पे उस पर्सन के बारे में या उस रूम के अंदर जितने भी पर्सन्स थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स एज ए सब्जेक्ट कंसिडर होंगे, तो इस वजह से एवरीवन को हमने सब्जेक्ट कंसिडर किया है। और फिर उसके बाद आते हैं जिसमें है द स्टार्स इन द स्काई आर ट्विंकलिंग, और इसमें हमने प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है, तो स्टार्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और उनके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, ट्विंकलिंग, तो यहाँ पे प्रेडिकेट और ट्विंकलिंग होगा। और अगर इसी सेंटेंस में हम कहें कि सब्जेक्ट क्या होगा, तो स्टार्स एज सब्जेक्ट होंगे। और फिर उसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेडिकेट्स इन द सेंटेंस, जिसमें है माई सिस्टर्स ऑलवेज हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, तो इसमें अगर हम सिंपल प्रेडिकेट की बात करें तो इसमें है हेल्प्स विद मी माई वर्क, इसको अगर हम कंप्लीट प्रेडिकेट के तौर पे लें, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिंपल प्रेडिकेट की, तो सिंपल प्रेडिकेट हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सिर्फ हेल्प्स, तो ऑप्शन सी को मैंने यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन कंसिडर किया है। और फिर इसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जिसमें है नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स न्यू द आंसर्स, तो इसमें हमने कंपाउंड सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो इसमें दो लोगों के बारे में बात हो रही है,
एक तो है टीचर और दूसरा है स्टूडेंट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो यहाँ पे इसको इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट का नाम दिया जा रहा है, जिसके करेक्ट ऑप्शन है डी। और फिर इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, जिसमें है द डॉग बार्क लाउडली एंड चेस द कैट। तो एक तो उस डॉग की बार्किंग के हवाले से बात हो रही है और दूसरा उसकी चेसिंग की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे कंपाउंड प्रेडिकेट यानी कि मल्टीपल प्रेडिकेट्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। और फिर उसके बाद आते हैं टू रन ए मैराथन इज हर गोल। तो इसकी हमने क्या करने हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैराथन के हवाले से। तो टू रन ए मैराथन एज सब्जेक्ट कंसिडर होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद द न्यू मूवी वॉज रिलीज लास्ट वीक। तो इसमें हमने प्रेडिकेट को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो वॉज रिलीज लास्ट वीक और वॉज रिलीज, इन दोनों को अगर हम देखें तो अगर तो यहाँ पे कहा गया होता कि कंप्लीट प्रेडिकेट, तो डी ऑप्शन दुरुस्त होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रेडिकेट की बात हो रही है, तो इस वजह से बी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त कंसिडर होगा। और फिर उसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई द सिंपल सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूम एवरी स्प्रिंग। तो अगर हम यहाँ पे इसकी देखें सिंपल सब्जेक्ट को, तो करेक्ट ऑप्शन होगी फ्लावर्स, कि हम फ्लावर्स के बारे में इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो द ओल्ड मैन विद कैन वॉक्स वेरी स्लोली। तो इसमें हमने कंप्लीट प्रेडिकेट को देखना है। तो कंप्लीट प्रेडिकेट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम ओल्ड मैन के हवाले से बात कर रहे हैं, और फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि होल्डिंग द कैन वॉक्स वेरी स्लोली। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो होगी डी। और फिर उसके बाद आते हैं जिसमें सेंटेंस है ऑन द टेबल वाज ए डिलीशियस केक, और इसमें हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, डिलीशियस केक के बारे में जो कि ऑन द टेबल है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें जिसमें सेंटेंस दिया हुआ है द लिटिल पपी स्लैप्ड साउंडली, और इसमें हमने प्रेडिकेट को निकालना है। तो प्रेडिकेट को अगर हम देखें यहाँ पे, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर इसके बाद दे विल विजिट अस नेक्स्ट समर, तो इसको आपने देखना है कि इसमें हमने सिंपल प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दे के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, विजिट के हवाले से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगी, विल विजिट। और फिर इसके बाद बात करें तो द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट रो आस्क मैनी क्वेश्चंस, और इसमें हमने कंप्लीट सब्जेक्ट को बात करनी है। तो द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट रो, तो इसका कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। अगर सिर्फ सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसके आंसर्स ए कंसिडर होगा, लेकिन हम कंप्लीट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम सी को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। तो आज के सवालात यहाँ पे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।